फ्रेंड्स, मैं रश्मि आपका रे किचन में स्वागत करती हूँ। फ्रेंच फ्राइज हम आप सबने बहुत खाया है, बट आज जो मैं फ्रेंच फ्राइज बनाने जा रही हूँ जो कि इंडियन तड़के के साथ है, ये है पनीर फ्राइज। आपको लगेगा पनीर फ्राइज में क्या है, बहुत ही इजी है, बट फ्रेंड्स ये बहुत इजी तो है बट ये अलग स्टाइल वाला है। इसमें मैंने अपने इंडियन तड़का दिया है जिससे ये बहुत ही मजेदार, बहुत ही चटपटा और बहुत ही टेस्टी बना है। तो फ्रेंड्स, हमेशा की तरह आपको मेरे वीडियो पसंद है तो जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करना ना भूलिए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इंडियन तड़के वाला बहुत ही टेस्टी फ्रेंच फ्राइज। सबसे पहले हम इसके लिए पेस्ट बना लेंगे। बाउल में आधा छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक स्वाद अनुसार, आधा बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर लेंगे। कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर कम तीखा होता है और कलर भी बहुत अच्छा देता है। पाव छोटा चम्मच कुटी हुई काली मिर्च डालेंगे, इसे हल्का सा तीखापन हमें मिलेगा। पाव छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधा छोटा चम्मच ओरेगानो। आप चाहो तो इसके बदले धनिया के पत्ते या पुदीना या फिर मिक्स अप भी ले सकते हो। पाव छोटा चम्मच रेड चिली फ्लेक्स डालेंगे, ये पूरी तरह से ऑप्शनल है। और एक बड़ा चम्मच तेल डालेंगे और सबको अब हम अच्छे से मिला लेंगे। मसाले एक दूसरे में अच्छे से जब्त होने चाहिए, अच्छे से घुल मिल जाने चाहिए। ये हमारा पेस्ट बनकर रेडी है, इसे अब हम साइड में रखेंगे। यहाँ पे मैंने पनीर लिया है जिसे मैंने इस तरह से लंबे लंबे स्ट्रिप्स में कट करके लिया है। इसे हमें मीडियम साइज में रखना है। अगर आप इसके पतले स्ट्रिप्स करोगे तो हो सकता है कि ये टूट जाए। ये मैंने फिर से पेस्ट को एक बार मिला लिया है हाथों से। अब हम पनीर की स्ट्रिप लेंगे और इसे हल्के हाथों से इस तरह से घुमाते हुए चारों तरफ से पेस्ट में कोट करके लेंगे। मैंने यहाँ पे पनीर इस्तेमाल किया है, बट आप चाहो तो यहाँ पे आलू उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। और इसे साइड में रखेंगे। अभी आपको ये देखने में स्पाइसी बहुत लग रहा होगा, पर ये स्पाइसी उतना नहीं है। आप अपने बच्चों या फिर फैमिली मेम्बर के हिसाब से उनके टेस्ट के अनुसार आप मसालों में वेरिएशन कर सकते हैं। इसी तरह हम सारे पनीर को अच्छे से कोट करके रेडी कर लेते हैं। ये देखिए सारे मैंने रेडी कर लिए कोट करके। इसे क्रिस्पीनेस देने के लिए हमें इसके लिए कोटिंग रेडी करनी है, पर उससे पहले हम तेल को गरम करने रखते हैं। और जब तक तेल हमारा गरम हो रहा है हम हमारे जो फ्राइज है उसको रेडी कर लेते हैं। इसमें हम 3 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर और 1 बड़ा चम्मच चावल का आटा लेंगे, थोड़ा सा नमक डालेंगे स्वाद अनुसार और इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। मैंने चावल का आटा लिया है, आप चाहो तो इसके बदले मैदा, ब्रेड क्रम्स या फिर सूजी भी इस्तेमाल कर सकते हो, पर चावल का आटा और कॉर्नफ्लावर से ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनता है। ये मैंने अच्छे से मिला दिया है। अब हम एक एक करके पनीर की स्ट्रिप लेंगे, हल्के हाथों से हम इसे ड्राई मिक्सर में कोट करते जाएंगे। चारों तरफ से हमें इसकी अच्छी सी कोटिंग करनी है। आपको नज़र आ रहा होगा कि इसका मसाला जो है वो भी अंदर उसके ऊपर अच्छे से कोट है और ऊपर से जो हमने कोटिंग बनाई है चावल के आटे की और जो कॉर्नफ्लावर की, उसकी भी कोटिंग अच्छे से बन चुकी है। अब करेंगे ये कि इसका जो भी एक्स्ट्रा फ्लावर है उसको हम हटाकर इसे दूसरे प्लेट में रखते जाएंगे। इसे आप इस तरह ही बनाकर 1 हफ्ते के लिए एयर टाइट कंटेनर में भरकर डीप फ्रीजर में रखकर यूज कर सकते हैं। आपको जब भी ये फ्राइज बनानी हो तो बस आपको करना ये है कि इसे फ्रिज से आप निकालें और इसे गर्म तेल में डीप फ्राई करें। अब हम तेल को चेक कर लेते हैं। तेल जो है हमारा मीडियम हॉट हो चुका है। गैस को हम मीडियम टू लो फ्लेम के बीच में ही रखेंगे और एक एक करके फ्राइज को हम तेल में छोड़ेंगे। इसे हम चम्मच से हिलाते हुए चारों तरफ से पका लेंगे। इसे पकने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, विद इन ए मिनट के अंदर ही ये रेडी हो जाते हैं, क्योंकि इसके ऊपर ज़्यादा हमने कुछ मसाले नहीं लगाए हैं। तो ये देखिए ये बहुत ही अच्छे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं और काफ़ी क्रिस्पी भी बने हैं। तो इसे अब हम टिश्यू पेपर पर निकाल लेते हैं। इसके ऊपर से हम हल्का सा चाट मसाला स्प्रिंकल करेंगे और ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। बट फ्रेंड्स, इसे और आपको टेस्टी बनाना है या फिर इसे आप बच्चों को सर्व कर रहे हो तो इसके ऊपर आप थोड़ा सा चीज़ ग्रेट करके डालिए और इसे टोमेटो सॉस के साथ बच्चों को सर्व कीजिए, ये बहुत ही टेस्टी लगता है। तो फ्रेंड्स, इसे आप ज़रूर बनाएं और बताएं ये रेसिपी कैसे बनी थी। तो देखा ना फ्रेंड्स, कितनी आसानी से हमने फ्रेंच फ्राइज को इंडियन तड़के में बदल कर बहुत ही मज़ेदार वाली पनीर फ्राइज बना दी है।
जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा कि आप पनीर के बजाय बहुत सारा वेरिएशन कर सकते हो, अपने पसंद की आलू या फिर स्वीट पोटैटो शकरकंदी आप ले सकते हो और इसे इस तरह से बना सकते हो। ये बहुत ही टेस्टी बनता है और बच्चों को भी काफी पसंद आता है। तो फ्रेंच फ्राइज का एक अलग वर्जन है, तो इसे आप जरूर बनाएं। अपने फ्रेंड्स, परिवार, सोशल साइट पे हमारी रेसिपी को जरूर शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट्स करना ना भूलिएगा। आपका कीमती समय देने के लिए शुक्रिया।